मलाई यहाँ पर रखी है घी बनाने के लिए। मैं गाइस बाहर बहुत बारिश का मौसम हो रहा था तो आज मैगी खाने का मन हो रहा था, तो आज हमने मैगी बनाई है और साथ में बना लिए चाय। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा पांडे और आप सभी का स्वागत है पीतल नगरी मुरादाबाद से। तो गाइस सुबह के 10 बजने वाले हैं और सारा घर का काम हो गया है। कल रात में बहुत तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश हुई थी और अभी मैंने सारा घर का काम निपटा लिया है, बस नाश्ता नहीं किया है। नहा धो के सब रेडी हो गई हूँ। परी जा रखी है बगल में और परी के पापा जा रखे हैं ड्यूटी, तो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। गाइस कल की बारिश की वजह से यहाँ अभी तक धूप नहीं आ रखी है और मैं चलती हूँ किचन की तरफ। मैंने अपना नाश्ता लगा दिया है, वैसे तो चाय आलू की सब्जी और इसमें रोटी है। जब तक परी पड़ोस में से आती है मैं ना नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद ना आज मुझे घी भी बनाना है, मैंने घी निकाल के रखा है। उसके बाद ना मुझे शायद परी आ गई। गाइस बाहर बहुत बारिश का मौसम हो रहा था तो आज मैगी खाने का मन हो रहा था, तो आज हमने गाइस परी को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए परी मैगी के कढ़ाई के वहाँ पे बैठ गई है। तो गाइस हमने ना मैगी खा ली थी और उसके बाद परी थोड़ी देर सो गई और मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करने लग गई। और अभी यहाँ पे सिंक में पड़े हैं मैगी के बर्तन और अभी दोबारा चाय बन गई है, अभी वो भी बर्तन धुलने हैं और अभी तक मैंने घी नहीं बनाया। अब मैं आ गई हूँ किचन में घी बनाने। पहले मैं अपनी चाय गर्म करूँगी क्योंकि मैं परी को पिला रही थी गाय का दूध। तो मैंने अपने लिए चिप्स भी तल रखे हैं क्योंकि परी के पापा को तो खांस मतलब हो रही, गले में खराश हो रही है और परी को भी खांसी हो रही है, तो चिप्स सिर्फ मैं ही खाऊंगी, मेरे अपने के लिए तले हैं, उसके बाद मैं घी बना लूंगी। गाइस ये रहे मेरे चिप्स। तो गाइस मलाई से ये मक्खन निकल गया है और मैंने ना चूल्हे में रख दिया है घी बनने के लिए। थोड़ी देर में ये पिघल जाएगा और इसका घी बन जाएगा। बाहर देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है। तो गाइस जब से मैं घी बना रही थी ना, मैं किचन में आई बर्तन बर्तन धोने, तो परी अंदर रो रही थी तो मैं परी को भी ले आई। यहाँ बाहर बहुत तेज की बारिश आ रही है और घी क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा बाबू? मम्मा घी देख रही है। तो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट घी बन ही गया है, 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं कुकर में, आटा निकाल लिया है और सब्जी के लिए भी प्रिपरेशन कर ली है। और अब मैं कर देती हूँ व्लॉग कहीं पे एंड। तो गाइज बाहर बहुत तेज की बारिश आ रही है और अंधेरा सा भी हो गया है, 6 बजने वाले हैं और आज मैं जल्दी खाना बना लूंगी और मैं व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय।